टेक्नोलॉजी हाउस हिंदी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पेमेंट रिसीव्ड, काउंट्रा एंट्री, जनरल एंट्री और डेबिट नोट क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर कैटेगरी लेनी पड़ेगी, ग्रुप जो लेना पड़ेगा वो बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। ये हमारा पहले से क्रिएट है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करना सिखाएंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले किस पार्टी को पेमेंट करना है उसके लिए हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो दोस्तों यह है पेमेंट की एंट्री। पेमेंट और रिसीप्ट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, पार्टी पहले आएगी और कैश और बैंक जो भी है वो सेकेंड नंबर पर आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, पार्टी पहले, कैश और बैंक बाद में। तो ये पार्टी है हमारी एक्सपर्ट, 31,673 रुपये का इसको हमने पेमेंट करा है। तो दोस्तों इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम इसका अकाउंट चेक करेंगे पार्टी का, इस पार्टी को पैसे कितने देने थे। तो ये हमारी एक्सपर्ट कंप्यूटर पार्टी आ गई, इसमें हमको पैसे इसको देने हैं 39,193, लेकिन हमको ड्यू डेट के हिसाब से 31,673 रुपये ही देने हैं। तो पेमेंट में हम एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तारीख चेक करेंगे। ये हमने पेमेंट करा है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को पेमेंट करा है तो तारीख डाल दी 27 फरवरी, नॉट एप्लीकेबल। अब पार्टी ले ली हमने एक्सपर्ट कंप्यूटर, ये हमारी पार्टी आ गई, 31,673 रुपये हमने उसको पेमेंट करा है। दोस्तों ये 31 पार्टी मैंने बताया आपको, पेमेंट या रिसीव कोई भी एंट्री करोगे तो पार्टी पहले आएगी। अब इसका हम बिल वाइज एडजस्टमेंट करेंगे। एक बिल हो गया 24,153, जिसको हमने इस बिल अमाउंट के थ्रू एडजस्ट किया है। दूसरा हमारा जो पेमेंट होता है ये बिल हो गया 7,520 रुपये, ये दोनों जो बिल है इस अमाउंट के थ्रू एडजस्ट हुए हैं। दोस्तों यहाँ नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे आ गया कैश या बैंक। अगर उस पार्टी को आपने कैश दिया है तो यहाँ आप कैश कर सकते हैं, और अगर उस पार्टी को आपने बाय बैंक एंड पैसा दिया है तो बाय बैंक कर सकते हैं। अब यहाँ आपने चेक के थ्रू दिया है तो आप यहाँ चेक नंबर डाल सकते हैं, और अगर आपने उसको नेफ्ट किया है तो आप नेफ्ट लिख के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेमेंट है इस पार्टी का हो गया, सेव कर लिया। अब हम इस पार्टी का लेजर खोल के देखेंगे, इसका हमने लेजर खोला, ये दोस्तों ये पेमेंट हो गया 31,673 रुपये। अब बचा 7,520, वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अब हम दूसरी पार्टी निकालते हैं, दूसरी पार्टी का पेमेंट कैसे होगा वो हम देखते हैं। अभी दूसरी पार्टी हमने जो बैंक की लिस्ट निकाली उसमें ये है प्रॉस्पर, 26 जनवरी को हमने प्रॉस्पर कंप्यूटर को पेमेंट किया। अब इसका पेमेंट कैसे होगा, ये 36,980 रुपये। दोस्तों अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वही तरीका, पेमेंट और रिसीव्ड में किसी की भी एंट्री आप करोगे तो पार्टी पहले आएगी, बैंक और कैश बाद में आएगा। ये आप जब भी एंट्री करें तो ध्यान रखें। 26 तारीख को हमने इस पार्टी को पेमेंट किया, ये पार्टी पहले आ गई और 36,980 रुपये का हमने पेमेंट किया, ये पेमेंट आ गया। दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर देखते रहें, स्किप ना करें, हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ये दो जो बिल हैं वो इस अमाउंट के थ्रू हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, बिल वाइज पेमेंट करा है, तो ये दो बिल एडजस्ट हो गए, 36,980 रुपये इसका पेमेंट आ गया। तो ओके कर दिया। अब नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब पेमेंट आपने कैश किया तो कैश कर सकते हैं, बाय बैंक किया तो बैंक कर सकते हैं, चेक दिया तो चेक नंबर डाल दें, और नहीं तो नेफ्ट किया तो आप नेफ्ट लिख दीजिए। तो दोस्तों ये पेमेंट हो गया, इसको नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सेव कर लिया। दोस्तों इस तरह से हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अब एक पार्टी का हम और एंट्री करके दिखाते हैं, ये है मैप्स इमेजरिंग, इसका हम अकाउंट खोल के देखते हैं ये हमारे में कितने पैसे मांगता है। तो हमने इसका अकाउंट खोला दोस्तों, 1,22,000 ये हमारे में मांगता है, लेकिन हमने इसको पेमेंट सिर्फ 50,000 किया है। तो आपको उसकी बिल वाइज एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ पेमेंट की एंट्री कर लें। हमने तारीख डाल दी, किस तारीख को हमने इसको पेमेंट किया है, इसको हमने पेमेंट किया है 26 को, 26 को मैप्स इमेजिंग अमाउंट डाला 50,000, हमने बिल वाइज पेमेंट नहीं करा। तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दिया हमने खाली, वही क्रेडिट के अंदर कैश या बैंक जो आपने करा हो, और नेफ्ट किया हो तो नेफ्ट, और नहीं तो अगर आपने पेमेंट बाय चेक दिया हो तो बाय चेक और चेक नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने सेव कर लिया, ये सेव हो गया। ये तो दोस्तों हमारी थी पेमेंट की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट की एंट्री
कैसे की जाती है ये हमने आपको बता दिया है। ये हमने इसका अकाउंट खोल दिया पार्टी का, ये 50,000 की एंट्री हो चुकी है और 72,000 अभी बाकी है। दोस्तों ये थी हमारे पेमेंट की एंट्री। तो पार्टियों को पेमेंट कैसे होता है, अब पार्टियों के अलावा दूसरी तरह का भी पेमेंट हमारे अकाउंट्स में होता है, जैसे हमारे बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, तो इस तरह का भी हमारे अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होता है। तो हम बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, इस तरह के बिल हम एंट्री कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब वो वाली एंट्री बताएंगे कि हम इस तरह का एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी बैंक की लिस्ट है। अब इसमें 699 रुपये जो हैं ये हैं मोबाइल रिचार्ज के। अब 699 रुपये की एंट्री कैसे करेंगे, वही हम पेमेंट में जाएंगे, वही तरीका, पहले पार्टी और फिर कैश या बैंक। तो हम इस एंट्री के अंदर तारीख चेक कर ली, तारीख डाल दी हमने 11/2। अब ये मोबाइल का बिल है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 699 रुपये। और यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हो कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जिसका आपने बिल चुकाया हो। कैश अगर आपने दिया हो तो यहाँ कैश कर दीजिए, और अगर आपने बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ बैंक कर दीजिए, और अगर चेक दिया है तो चेक नंबर डाल सकते हैं। तो हमने नेफ्ट किया तो यहाँ इसकी एंट्री हो गई, इसको नेफ्ट कर दिया। उसके बाद नरेशन में कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप सेव कर लीजिए। तो दोस्तों टेलीफोन मोबाइल रिचार्ज जो भी है वो टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। अब हम दूसरी एंट्री चलेंगे, तो हम ये आ गया हमारा बिजली का बिल। अब बिजली के बिल में आपको कैसे एंट्री करनी है, तारीख डाल दी हमने वापस, वही पेमेंट की एंट्री, पार्टी पहले आएगी, इसको भी हमने पेमेंट किया वो पहले आएगा, कैश और बैंक बाद में आएगा। यहाँ पर हमने एंट्री करी डेबिट, ये हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहाँ हमने 2906 रुपये जो है बिजली के बिल को चुकाए थे, तो यहाँ पर आ गए 2906 रुपये। बाय बैंक, बाय कैश, आपने जो भी पेमेंट किया हो उसको यहाँ एंट्री करें, और अगर आपने बाय बैंक किया है तो चेक नंबर अगर कोई होता है तो यहाँ चेक नंबर डाल दें, और नहीं तो अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो NEFT लिख के छोड़ दें। दोस्तों ये हो गया हमारा सेव। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में लिख सकते हैं शॉप किस, कौन सा बिल चुकाया था आपने, शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ हमने लिख दिया है दुकान का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो हमने चुकाया है। तो यहाँ आप कुछ भी नरेशन में लिख दें और उसको सेव कर लें। तो दोस्तों इस तरह से जो खर्चों की एंट्री है वो भी पेमेंट के अंदर ही जाएगी। अब ये लिस्ट निकाल ली हमने वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी हमने एंट्री की थी, ये जो खर्चे की एंट्री थी वो हमारी आ गई। अब हमको नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है इसके अंदर, नेक्स्ट एंट्री जो है आपको लिस्ट में देखना पड़ेगा क्या करनी है। ये 695 रुपये, 961 रुपये, ये जो एंट्री है ये हमारे टेलीफोन के बिल, फाइबर लाइन के बिल, अलग अलग बिलों की अलग अलग एंट्री होती है। तो ये 695 रुपये की एंट्री करके दिखाएंगे दोस्तों, 961 रुपये की, कि 961 रुपये जो है BSNL फाइबर जो हमने कनेक्शन ले रखा है उसका बिल है, उसका एक्सपेंस है। अब आपने उसको कैश या बैंक जैसे भी करा हो, चेक या नेफ्ट जो भी करा हो, तो यहाँ पर वही एंट्री जो हम करते आ रहे हैं उसी तरह की एंट्री यहाँ कर दी हमने। ये बाय नेफ्ट किया है तो बाय नेफ्ट कर दिया, और हमने इसको नरेशन में कुछ लिखना है तो सेव कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पेमेंट और शॉप के जो भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री हम कर सकते हैं। ये दोस्तों ये वो आ गया टेलीफोन का बिल जो हमने आपको दिखाया था, ये टेलीफोन का बिल आ गया। अब दूसरी कोई एंट्री दोस्तों जो हमारे खर्चों की है वो भी हम ऐसे ही बैंक की एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें हम बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट एंट्री आती है सैलरी। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो सैलरी की एंट्री कैसे करेंगे, सैलरी जो भी खर्चा हो आपको उसी कैटेगरी में डालना है। ये 12,000 रुपये सैलरी दी है, पार्टी पहले और बैंक और कैश बाद में, ये हर एंट्री में ध्यान रखिएगा आप। बैंक कैश नेक्स्ट में नीचे आएंगे और पार्टी ऊपर आएगी, भले पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने जो भी लड़का था दुकान का उसको सैलरी दी, नेफ्ट करा है, आप नीचे नरेशन में लिख सकते हैं किसको सैलरी दी और कौन से महीने की सैलरी दी। तो हमने नरेशन में यहाँ लिख दिया है सैलरी पेड टू मनोज, तो मतलब इसको हमने कब की सैलरी दी है, मंथ जो भी है, मंथ जनवरी, तो जनवरी मंथ की हमने उसको सैलरी दी है। तो हमने नरेशन में लिख दिया जिससे कि हमको ये ध्यान रहे कि हमने कौन से महीने की सैलरी दी है, जनवरी महीने की सैलरी हमने फरवरी में दी है। तो दोस्तों ये तो एंट्री हो गई हमारी पेमेंट की। अब इसमें सैलरी अभी हमने जो दी है उसकी एंट्री चेक कर लें, ये आ गई सैलरी 20/2 की, ये हमने उसको सैलरी दी है उसकी एंट्री यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। नॉन अननोन सोर्स के थ्रू कई बार हमारे पास पेमेंट आता है, उसकी एंट्री हम कैसे करें, सिंगल एंट्री में हम आपको ये बताएंगे
कि आपको अगर अननोन सोर्स के थ्रू कहीं से पैसा आता है तो आपको दो एंट्री अलग अलग, सेल्स की और बैंक की एंट्री अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अननोन सोर्स के थ्रू अगर आपके पास पैसा आता है तो आप सिंगल एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों ये एक एंट्री है जो हमारे पास नोन सोर्स के थ्रू पैसा आया है, इसको हमने बिल बना के दिया था। तो हमारे पास बिल बनाने के बाद ये पेमेंट आया है हमारे पास, बिल बनने के बाद तो ये पेमेंट जो है एक कंपनी के थ्रू आया है। हमने पार्टी को बिल बना के दिया, ये उसका लेजर है, ये हमने 84,000 का उसका बिल बना के दिया, बैलेंस 84,000 आ रहा है। तो उस पार्टी ने हमको पेमेंट किया। तो अब हम करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री में ऐड में चले गए, तारीख डाल दी हमने, जिस तारीख को हमारे पास पेमेंट आया, ये तारीख आ गई 25/2 को हमारे पास पेमेंट आया बाय चेक बाय नेफ्ट, जो भी तरीके से आया है। और हमने पहले भी आपको समझाया है पेमेंट और रिसिप्ट कुछ भी करो पार्टी पहले आएगी। तो जिस पार्टी से हमारे पास पेमेंट आया उसका नाम आ गया, कैश या बैंक जो भी आया है, बैंक के थ्रू पेमेंट आया है, अब उसने चेक दिया या नेफ्ट किया, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसने करा नेफ्ट, तो ये नेफ्ट की एंट्री हो गई, ये हमने कर लिया सेव। तो ये दोस्तों ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अब किसी और पार्टी से हमारे पास कोई पेमेंट आया है तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे अमाउंट हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो, ये छोटे छोटे अमाउंट वो अमाउंट है जो दिन भर हमारी दुकान पर कस्टमर आता है, छोटे छोटे आइटम लेता है लेकिन बिल लेकर नहीं जाता है, लेकिन वो पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे के थ्रू हमारे को पेमेंट करता है। तो दोस्तों जितना भी पेमेंट हमारे को एक नंबर में हमारे बैंक अकाउंट में आया उनका बिल काटना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका बिल नहीं काटोगे तो आपका बैंक और सेल्स का भी मैच नहीं करेगा, आपकी सेल और बैंक और कैश का भी मैच नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट पैसा कस्टमर के अकाउंट से हमारे बैंक में आया है। तो दोस्तों जितनी भी लिस्ट ये है डेली, इसका आपको टोटल लगाना है कि कितने लोगों का पेमेंट ऐसा है जिसका हमने बिल नहीं बनाया है। तो दोस्तों जैसे 250, 500, 1900, 300, 100, ये टोटल पर डे का आपको लगाना है कि हमारे पास कितने लोगों का पेमेंट ऐसा आया है जो पेमेंट तो हमारे अकाउंट में आ गया लेकिन हमने बिल नहीं बनाया। तो हमको अब इसका बिल कैसे बनाना है और सिंगल एंट्री कैसे करनी है कि हमको दो एंट्री ना करना पड़े, पहले सेल्स और फिर बैंक। तो हम सिंगल एंट्री में आपको ये बताएंगे कि सिंगल एंट्री में आपको एंट्री कैसे करनी है, जिससे कि ये जो एक नंबर में आपके पास पेमेंट आया है इसका बिल कैसे बनाना है। तो उसका बिल जो बनेगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक में मटेरियल है जो बिक चुका है लेकिन आपने उसका बिल नहीं बनाया है, तो आपको उस आइटम का बिल बनाना है। तो ये 6,375 रुपये होते हैं। अब हम आपको देखते हैं कि इसका बिल कैसे बनेगा। आपको पर डे एक एंड में एक बैंक के नाम पे बिल बनाना पड़ेगा। ये 27 तारीख का हमने लिस्ट निकाल ली, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, ये पूरे उस दिन की लिस्ट है जिस दिन का हमारे पास अननोन सोर्स से पैसा आया है और ये वो पार्टियाँ हैं जिनको हमने बिल बनाया है। तो इसमें हमको एक ये बिल इंडसइंड बैंक के नाम पे हमने बना रखा है, इसका मतलब ये वो बिल है कि पार्टी ने हमारे को पेमेंट किया है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया। दोस्तों ये बिल कैसे बनाया हमने, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैश की एंट्री कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करा हमने, किसी पार्टी ने हमको पेमेंट एक नंबर से करा और उस पार्टी ने हमारे से हाथों हाथ बिल बनवा लिया, तो हमने उस पार्टी का नाम बैंक में डाल के उसका प्रिंट निकाल दिया, तो वो बैंक टू बैंक एडजस्ट हो गया। तो अब इसमें से हमारे को जो बिल बना है इसमें से 1900 रुपये लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1900 रुपये का हमने पार्टी के नाम बिल काट चुके हैं। बाकी बचे हुए हमको कैसे बिल बनाना है वो देखते हैं। वापस हम पार्टी की लिस्ट निकालते हैं, ये लिस्ट आ गई। तो ये जो बैंक वाले लिस्ट बैंक वाला था लास्ट, वो तो हमने किसी पार्टी को चेक काट दिया, बिल काट दिया, उसका पैसा हमारे बैंक के थ्रू आया था। अब हमको एक बिल बनाना पड़ेगा बैंक के नाम पे, और 5,115 रुपये जो ऐसे थे जिसका हमने बिल नहीं काटा लेकिन हमारे पास बैंक में आए, तो हमको एक बिल बैंक के नाम पे काटना पड़ेगा 5,115 का। ये सिंगल एंट्री से दोस्तों ये आपका जो अननोन सोर्स से जो बैंक में पैसा आया वो एडजस्ट हो गया। अब आपको दो एंट्री नहीं करनी, सेल्स करके और बैंक की एंट्री नहीं करनी, सिंगल बैंक की एंट्री हो गई, इससे बैंक में एंट्री भी हो गई और सेल्स भी हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अननोन सोर्स से जो पैसा आया है आप शाम को बैंक के नाम पे बिल बना दें तो वो आपकी डबल एंट्री की जगह सिंगल एंट्री हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये हमने लिस्ट निकाली अकाउंट वाइज, ये लिस्ट आ गई बैंक
ये पूरी साल की आ गई, हमने गलती कर दी। अब हम खाली 27 तारीख की निकालते हैं, 27 तारीख की एंट्री आ गई। ये देखो दोस्तों, ये हमने एक ही एंट्री से दो काम कर दिए। हमारे पास अननोन सोर्स से जितना भी पैसा आया था उसका हमने बिल बना दिया, और हमारा बैंक और कैश और सेल्स इससे मैच हो जाएगी, और हमको दो एंट्री नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर एक ही एंट्री से काम हो गया। अभी हम यहाँ बैंक में गए, ये देखो दोस्तों, ये हम बैंक में गए, ये 27 तारीख की एंट्री निकाल ली हमने। ये सेल्स आ गई हमारी, ये वो सेल्स है जो अननोन सोर्स से आई है। अननोन सोर्स से आती है तो आप उसका बैंक के नाम पे बिल काट सकते हैं, अगर आपको पार्टी के नाम से एंट्री नहीं करनी हो तो। दोस्तों ये जो था अभी तक वो रिसीव्ड की एंट्री थी अननोन सोर्स से। अब एक एंट्री हम दिखाते हैं आपको, ये है डिजिटल सिक्योरिटी से हमने पेमेंट लिया, तो अब उसकी रिसीव्ड की एंट्री कैसे करेंगे। ये पार्टी से हमारा पेमेंट आया 24/2 को, ये पार्टी ने हमको चेक दिया या नेफ्ट किया या कुछ भी किया हो, पार्टी पहले और बैंक बाद में, अब उसको एडजस्टमेंट बिल वाइज कर दिया, ये ओके हो गया, ये बैंक आ गया। दोस्तों कैश होता तो कैश कर लेते हैं और बैंक होता तो बैंक कर लेते हैं, तो बाय बैंक होगा तो बैंक करेंगे, ट्रांसफ़र अगर उसने कराया तो बैंक करेंगे, हम उसने ट्रांसफ़र किया। अब बाय चेक दिया या नेफ्ट दिया, अगर चेक दिया तो चेक नंबर लिखना है, और नेफ्ट किया तो नेफ्ट लिखना है। तो दोस्तों ये एक एंट्री पार्टी के रिसिप्ट की हो गई हमारी, ये पार्टी से हमने पैसा लिया, रिसिप्ट हो गया हमारा, डेट रेगुलर नॉट एप्लीकेबल नेफ्ट, और लॉन्ग नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दें, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। पार्टी ने नेफ्ट के थ्रू हमारे को बिल गया बाय चेक, अगर होता है तो बाय चेक, और उसने हमको अगर पेमेंट चेक से किया तो चेक बाय चेक, और ये सेव हो गया। तो ये वीडियो हो गया दोस्तों। अब एक वीडियो सॉरी एक एंट्री जो है इस पार्टी की हम करेंगे। इस पार्टी ने हमारे को पेमेंट किया, 57,000 का बैलेंस है। अब इसके रिसीव करते हैं हम तारीख, जिस तारीख को उसने हमारे को भेजा है, ये पेमेंट आया 23 फरवरी को, 30,000 रुपये का बाय बैंक से ट्रांसफ़र हुआ, ये हमारे पास पेमेंट आया। दोस्तों रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि पार्टी पहले आएगी, कैश और बैंक बाद में आएगा। तो दोस्तों ये रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्रियाँ होती है, इसमें पार्टी पहले आती है और कैश और बैंक बाद में आता है। तो ये एडजस्टमेंट हो गया दोस्तों, इस पार्टी से हमारे पास पेमेंट आया। और अननोन सोर्स से अगर आपके पास कोई भी पेमेंट आता है तो आप बैंक के नाम पे सेल्स का बिल बना दें उस दिन का, तो आपको दो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस पार्टी से हमारे पास नेट के थ्रू पेमेंट आया, कैश होता तो हम कैश कर देते, और बाय बैंक होता है तो बाय बैंक करते हैं, ये बैंक के थ्रू आया तो हमने इसको सेव कर लिया। तो ये हमारा कैश और बैंक और पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री हो गई।